हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ तो आप देख रहे हैं द गेमर और हम लोग खेले आज माइनक्राफ्ट। तो आपको याद दूंगा कि पिछले एपिसोड में हमने ये सारे टूल है उनको इंचांट किया था और डायमंड के टूल्स और आर्मर बनाया था। तो आज हम लोग जाने वाले, पहले हम लोग नीदर में जाने वाले हैं और फिर हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें कलेक्ट करने वाले हैं हमारा घर बनाने के लिए, जो कि हम अगले एपिसोड में बनाने वाले हैं। तो वो घर मेरे लिए भी होगा और मैं कुछ विलेजर्स को भी रखूँगा उस घर के अंदर। बड़ा सा हम लोग घर बनाएंगे, मतलब कि कासल जैसा, मतलब कि हम घर बनाएंगे एक बड़ा सा इधर किधर। तो आज हम लोग पहले बनाने वाले नीदर, तो उसके लिए हमें नीदर पोर्टल बनाना होगा, मतलब कि नीदर में जाने के लिए। तो हमारे पास 6 ऑब्सीडियन है तो हम लोग नीदर पोर्टल में जाने वाले, तो हमें और भी ऑब्सीडियन चाहिए होंगे नीदर पोर्टल बनाने के लिए, सॉरी नीदर में जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करेंगे ऑब्सीडियन, तो ऑब्सीडियन हमें नीचे माइन में मिलेंगे, तो हम माइन में जाते हैं। तो अभी हम लोग बनाएंगे फ्लिंट एंड स्टील, तो ये हमारा फ्लिंट एंड स्टील बन गया है। हमें एक ही चाहिए होगा, ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे। और अभी मुझे याद नहीं है ठीक ठीक से कि कैसे बनाते हैं, मतलब कि नेदर पोर्टल, मैं हर बार भूल जाता हूँ। हम लोग इधर किधर नेदर पोर्टल बनाएंगे, इधर बनाएंगे नेदर पोर्टल, और हम लोग नेदर पोर्टल को डेकोरेट नहीं करने वाले अभी के लिए, तो नहीं करने वाले, फिर सोचेंगे अगर करना हो तो। और ये इधर ये लगाना है कहीं, और ये इधर से भी 3 के चाहिए या फिर 2 का चलेगा, शायद से इधर से तो 2 का चलता है, लेकिन फिर भी एक बार 3 का ही बना लेते हैं। और ये थोड़ा सा गलत हो गया है अभी के लिए, अरे ये बार बार गलत हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, चलेगा लेकिन बड़ा चलता है, छोटा नहीं चलता है। आप बड़ा जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हो। ये इधर से लग गया और इधर हम लोग बाद में ऑब्सीडियन लागे लगा देंगे। मैं पहले देख लूँ कि ये फायर होता है, एक मिनट, फायर मतलब क्या, वो ही आप कह सकते हो फायर या फिर चार्ज। हाँ चार्ज होता है तो फिर ठीक ही है, कैसा भी है या फिर ठीक करना है, एक बार कर लेते हैं, ज़्यादा गलत नहीं है, सिर्फ ये एक लेयर है वो ही इधर लानी है, तो हम लोग ला ही देते हैं, ऐसा मतलब कि अच्छा नहीं लगता है देखने में, बाकी कुछ गलत नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम लोग कर ही देते हैं। ये इधर और ये इधर और ये इधर लाना है, ये मुझे करने के टाइम ही लगा था कि इधर 2 ही चाहिए होंगे, लेकिन फिर मैंने पता नहीं क्यों 3 ले लिए। ये ऊपर सब तोड़ सकते हैं और इसको भी तोड़ सकते हैं। हाँ तो अभी ये बन गया, ये परफेक्ट होगा, हाँ ये परफेक्ट है। अभी हम लोग नीदर में नहीं जाना है, अभी पहले ये सब चीज़ें हैं वो रख लेते हैं, वरना ये सब कुछ चला जाएंगे अगर हम आउट हो गए तो। और इंचांटेड चीज़ें तो मैं बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता, ऐसे इंचांटेड आर्मर है तो ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा, फूड भी है तो चलेगा, मतलब कि ऐसा भी नहीं है, चलते हम लोग ये सब चीज़ें लेके ही चलते हैं फूड, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा तो नहीं, ऐसे भी मतलब कि इन्वेंट्री भी खाली लगते हैं, तो नीदर से भी कुछ हम लोग ला सकेंगे। नीदर में मेन तो क्वार्ट्स होता है और अभी तो मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मिलती है नीदर में अपडेट के बाद, और अभी रात हो रही है चलेगा, मतलब इधर तो कुछ क्रीपर वीपर ज़्यादा स्पॉन नहीं हो रहे लाइट की वजह से, और अभी उधर हॉर्स स्पॉन हो गए, तो आते हम लोग हॉर्स भी टाइम कर लेंगे। और ये ग्रास है मुझे पता ही था, जब भी हमारा स्पॉट स्पॉन होता है नीदर में तभी ग्रास होता है, और ये मतलब कि गलत जगह पे स्पॉन हो गया ग्रास, में दिख नहीं रहा है इधर। मुझे थोड़े बहुत ब्लॉक लेके आने चाहिए थे, अभी चले जाने के लाए तो मतलब कि कर ले जा सकते।
अभी हम लोग इधर से थोड़े बहुत ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेते हैं। नेदर में तो हम लोग स्ट्रीट माइनिंग नहीं करनी चाहिए, हम लोग के लावा हो सकता है। नेदर है और ये सीधा नीचे चले जाते हैं हम लोग, इसीलिए मैं मना कर रहा था स्ट्रीट माइनिंग से। काफ़ी अच्छे ब्लॉक है, मतलब टेक्सचर मिलता है। जितने भी घंटे हैं वो भर लेते हैं, क्योंकि इधर मेकमाक जो भी स्पॉन होंगी और फिर वो हमें घंटों पे धक्के मारेगी, तो ये घंटे भर लेते हैं सबसे पहले। इधर है आखिरकार, और इधर दूर दूर से दूसरी कोई बायोम दिख नहीं रही है, यही बायोम है। उस तरफ स्केलेटन्स दिख रहे हैं तो वो अलग बायोम है एक, और इधर भी कुछ दिख रहा है। हाँ, इधर वो सॉइल सैंड दिख रही है, तो हम लोग इस तरफ जाते हैं। और इधर मुझे हेबेल लेके आना चाहिए था, हेबेल है बाकी नहीं, हेबेल नहीं है, या फिर वो स्लाइम ब्लॉक होता है तो आप जंप लगा सकते हो डायरेक्ट। बाकी नीदर में आपको ऐसे मतलब कि नीचे ढूंढते ये थोड़ा ही हट होता है। हाँ, तो इधर दूसरी कोई बायोम है, इधर ये अच्छा होता है। इस बायोम के अंदर आपको बॉन्ड भी बहुत मिल जाएंगे, और ये इधर स्केलेटन था, मतलब ये हीट में मर गया स्केलेटन। बहुत कुछ ज़्यादा ही पावरफुल सॉर्ड है, मुझे भी अभी पता चला। ये हमें मिलते हैं जो स्ट्रक्चर, और मेरे पास वो नहीं है, तो अगर वो हमें मारेगा तो हम उसका ही बॉल उस पर रिटर्न कर देंगे, और अगर वो ग्रास है वो हमें नहीं मारता तो हम भी उसको कुछ नहीं करेंगे, हम भी उसको घूमने देंगे। लेकिन अभी तो क्रास कुछ कर नहीं रहा, शायद से उसने मुझे देखा नहीं। हाँ, अभी उसने देखा है, तो वही आ जा। नेदर में आपको बो लेके आना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास कोई इंचेंटेड बो थी नहीं तो मैं लेके नहीं आया। ऐसा नहीं था कि मुझे मतलब कि मैं भूल गया था, मुझे पता था लेकिन कोई इंचेंटेड बो थी नहीं, तो फिर कुछ फर मतलब कि मतलब नहीं रहता। मेरे पास वो है नहीं है, और उनको टाइम करने के लिए वो नहीं, वो सैडल चाहिए ना टाइम करने के लिए, तो वो भी चाहिए, फिशिंग रोड भी चाहिए, तो दोनों चीज़ें नहीं। और इधर स्पीड स्लो हो जाती है, वो है। ये भी थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, सोल सैंड और सॉइल। कुछ ज़्यादा ही हो गई, इतने भी नहीं करने करेगा अटैक, और ये इस तरह से हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। और अभी स्केलेटन्स और ये सब साथ में, और ये बहुत सारे स्केलेटन हैं, तो इनके बाद पूरा दूर रहते हैं। अभी हम लोग दूसरी कोई बायोम में ढूंढ रहा हूँ, मतलब कि ये चलो दो बायोम तो हो गए, फिर भी और भी कोई अच्छी बायोम नहीं है, मतलब एक जो नॉर्मल नेदर होता है वो भी नहीं है। और ये हमारे पास फॉर्च्यून 3 है ना, तो उससे हमें अच्छा मिलेगा वो गोल्ड जो होता है। कितना मिला देखते हैं हम लोग, 45 यानी कि 5 एंगेट मिल गए, 45 नगेट यानी कि हम इनके साथ वो डील भी कर सकते हैं। वो तो अभी दिख ही नहीं रहे, वो पिकलिन भी नहीं दिख रहे इन बायोम में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दूसरी कोई बायोम हो तो अच्छा रहेगा। किसी ने मारा मुझे, मतलब कि मारने की कोशिश की नहीं है, दूर है, हम दूर के एनिमल्स को मार नहीं सकते, गलत। और ही मैं बहुत गलत जगह पे चढ़ रहा हूँ, अगर एक आध बॉल आ गया तो मतलब कि मर जाऊँगा, रिस्पॉन हो जाऊँगा, हार्डकोर तो नहीं है, आउट हो जाएंगे। और वो अच्छा मैंने बॉक्स ले लिए, इधर काम में आ जाएंगे इकट्ठे ना। आप जिधर भी देखो उधर भरते चलो, थोड़ा बहुत सेफ होता है, लेकिन इतने सारे गड्ढे आप भर भी नहीं पाओगे कुछ भी करके। तो हम उधर से तो आए थे, तो हम इस तरफ जा रहे हैं, और मुझे वो भी याद रखने था अपना स्पॉन पॉइंट। सब वीडियो में तो आ ही जाऊँगा, तो वीडियो में से देख लेंगे अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो।
उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा घुमा और मुझे कुछ मिला नहीं, मतलब कि मैं आसपास में घूमता रहा गोल 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 गोल, और मैं गोल गोल घूमने के बाद अपने नीदर के मतलब कि अंदर वापस मुझे दिख गई अपना नीदर पोर्टल, तो मैं नीदर पोर्टल से वापस चला गया अपने घर पे, तो आगे कुछ है नहीं, तो मैंने मतलब कि वही डाल दिया कट करके पोर्टल के दिखते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं और क्रीपर नाव यही पालना है, मतलब कि पैर खोलते इधर के लिए ग्रास मिला था, इधर क्रीपर ना मिले, और अभी दिन भी हो रहा है इधर, अभी रात है, चलो सो ही लेते हैं, सोने को मिले तो, वरना शायद से दिन हो गया यहाँ, नहीं दिन इतना भी नहीं हुआ है, मतलब कि ऐसे तो भी हमें कलेक्ट करनी है घर बनाने के लिए चीज़ें, तो मतलब कि चीज़ें तो हमारे पास है ही, हमें चाहिए क्या, तो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होगा स्टोन, तो स्टोन हम लोग बना पाएंगे किसी से, तो कॉपर स्टोन से हम लोग स्टोन बना पाएंगे, तो हमें कॉपर स्टोन हमारे पास है पूरा एक बैरल करके है, इस बैरल में था वो, इस बैरल में है कॉपर स्टोन हमारे पास, इससे ज़्यादा भी है, चेस्ट में भी है ऊपर, तो ये सारा कॉपर स्टोन जो है हम लोग इधर मेल्ट करने के लिए रख देते हैं, हर एक चेस्ट में 64 रख देते हैं, मतलब कि कोई ट्यूटोरियल में मैंने नहीं देखा है, मैं अपना आपसे ही बनाने वाला हूँ, बहुत बड़ा घर बनाने वाला हूँ, मतलब कि कासल टाइप से बनाने वाला हूँ, विलेज एक्स और मेरा इतना बड़ा भी नहीं होगा, मतलब कि आप सोच रहे होंगे जितना यूट्यूब पे, तो उससे भी बड़े बड़े बहुत होंगे, लेकिन एक मतलब कि अच्छा घर बनाने वाला हूँ मैं, जिसमें विलेजर्स और मैं हम लोग सब रह सके, और बस उतना ही है, तो इसके लिए हमें कॉल या ऐसा कुछ सही होगा, तो मैं कॉल का देखता हूँ कि कितना कॉल है हमारे पास, मैंने ऊपर रखा उसमें, और बाकी कुछ इसमें भी होगा, इसमें कुछ नहीं है, तो मैं ऊपर से कॉल ले आता हूँ पहले, तो हम लोग कोल का ब्लॉक बना देते हैं, तो क्योंकि ब्लॉक से कुछ ज़्यादा होता है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो याद नहीं है कि कितना ज़्यादा होता है, लेकिन उतना पता है कि फ़ायदा होता है अगर आप ब्लॉक यूज़ करो तो फूल के तौर पे, तो हमारे पास ब्लॉक आ गए हैं, और थोड़ा बहुत और कॉपर स्टोन ले लेते हैं, क्योंकि कुछ फर्नेंट्स अभी भी खाली है, जितनी फर्नेंट्स हैं उतने स्टैक ऑफ हम लोग स्टोन, और एक फर्नेस मतलब कि एक स्टॉक जो वो 164 स्टैक का होता है, उसका हम लोग वो कर लेंगे स्टोन, स्मूथ स्टोन बना लेंगे, यह थोड़ा बहुत कोल, और तभी हम लोग एक हॉर्स को टैम कर लेते हैं, तो हॉर्स को टैम करने के लिए हमें ग्रास नहीं चाहिए, हमें ऊपर ही बैठना होता है, हॉर्स के ऊपर बैठना होता है, तो उधर हॉर्स स्पॉन हुआ था जब हम नेदर में जा रहे थे, तो देखना है कि अभी तक उधर है या फिर डिस्पॉन हो गया है, शायद से डिस्पॉन होना तो नहीं चाहिए कर सकते, लेकिन खिलाने से अच्छा है कि आप ऐसे ही करो, आपको फ्री में पड़ेगा, खिलाने में मतलब कि वेस्ट होगा जो भी वीट है वो है, और आपको अगर इसको कंट्रोल करना है तो आपको सैडल चाहिए होगा, तभी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कितना ऊंचा कूद सकता है वो भी देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, वीडियो बहुत ही छोटी थी और अचीवमेंट भी कुछ ज़्यादा नहीं की, हमने सिर्फ एक और स्टैम्प किया, और उसके साथ साथ हमने नीदर में भी मतलब कि एक्सप्लोरेशन किया, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन जल्दी हम अगले वीडियो में हम लोग घर बनाने वाले, जैसे कि मैंने वीडियो में भी कहा, तो बहुत सोने वाली अगली वीडियो मैं जल्दी डाल दूँगा, तो हम लोग घर बनाने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे हम लोग माइनक्राफ्ट में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।